नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है जीबीसी ब्रेकिंग में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं भावी देवल की वेब सीरीज आश्रम 3 के जो कि बजट के बारे में, और वहीं दोस्तों आप लोगों को बताएंगे कि इस वेब सीरीज ने अपने पहले दिन कितने व्यू हासिल करे और कितने करोड़ रुपए की कमाई करी, और वहीं दूसरे दिन कितने व्यू हासिल कर रही है और ये ओटीटी प्लेटफॉर्म पे कितने करोड़ रुपए की ओपनिंग ले रही है अपने दूसरे दिन। दोस्तों अगर आप लोग हमारे और आपके चैनल जीबीसी ब्रेकिंग पे नए हैं तो जीबीसी ब्रेकिंग को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर हिट करें ताकि हमारी इसी लेटेस्ट अपडेट आप लोगों को मिलती रहे सबसे पहले। तो चलो दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों आप लोगों को बताया चले आश्रम 3 वेब सीरीज जिसको जो कि 3 तारीख के दिन रिलीज कर दिया गया ओटीटी प्लेटफॉर्म पे, और दोस्तों आप लोगों को बताया चले कि इस वेब सीरीज का बहुत ही ज्यादा क्रेज है, इसी कारण इस वेब सीरीज को लोग देखना पसंद भी कर रहे हैं। आश्रम 3 वेब सीरीज में बहुत ही सारे सस्पेंस है जिसके कारण ऑडियंस इस वेब सीरीज से कनेक्ट कर रही है और इसे अच्छे रिव्यू भी दे रही है और साथ ही साथ इसके व्यू भी अच्छे खासे जा रहे हैं ओटीटी प्लेटफॉर्म पे। आप लोगों को बताया चले कि इस वेब सीरीज का चौथा पार्ट भी आने वाला है जो कि इसके लास्ट यानी कि 10वें एपिसोड में बता दिया गया है। दोस्तों इस वेब सीरीज में बॉबी देओल और वहीं दोस्तों ईशा गुप्ता ने जोरदार और शानदार जो कि एक्टिंग करी है, और वहीं दोस्तों पम्मी पहलवान ने भी बहुत ही जोरदार और शानदार तरीके से एक्टिंग करी है। दोस्तों बात कर लेते हैं बॉबी देओल की आश्रम 3 वेब सीरीज के बजट के बारे में, तो आप लोगों को बताया चले कि इस वेब सीरीज का बजट है 47 करोड़ रुपए, और वहीं इस वेब सीरीज ने अपने पहले दिन दोस्तों आप लोगों को बताया चले कि बहुत ही जोरदार और शानदार तरीके से ओपनिंग ली और इस फिल्म ने अपने पहले ही दिन जो कि अच्छे खासे व्यू हासिल करे। जी हाँ दोस्तों आप लोगों को बताया चले कि इसने 40 मिलियन व्यू हासिल कर लिए हैं ओटीटी प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों वही बात कर लेते हैं इस वेब सीरीज के यानी कि दूसरे दिन के जो कि ओटीटी व्यू के बारे में, तो आप लोगों को बताया चले कि ये आज के दिन भी अपने 50 से 60 मिलियन व्यू हासिल कर रही है ओटीटी प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों अगर आप लोगों ने भावी देओल की आश्रम 3 वेब सीरीज देखी है तो आप लोगों को ये वेब सीरीज कैसी लगी आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं, और साथ ही साथ हमारे और आपके चैनल जीबीसी ब्रेकिंग को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर हिट करें ताकि हमारे इसी लेटेस्ट अपडेट आप लोगों को मिलती रहे सबसे पहले। धन्यवाद। जय हिंद। जय